संविधान के भाग ए के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बात को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मत नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम यानी भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ सदस्यों ने आधुनिक नाम यानी इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा में दोनों नामों को स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, देश को संघ बताया गया, यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के कारण है। एक भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघ में, और दो राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा हुआ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिनमें से पहला राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ के क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जिनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल किया गया है। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर लागू होती है, यद्यपि कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। इनमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य वरन संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है शामिल है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण व्यवस्था, जिसमें संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज शामिल है। व्यवसाय, जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित ना किया हो, जीत या हार द्वारा। उदाहरण के लिए भारत के संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीप, पांडुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद में अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगे। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है, जिनमें पहली नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे और दूसरा नए राज्यों का गठन करे। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में हैं। उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों की पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 संसद को अधिग्रहित करता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी
राज्यों को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी और उसे घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा, और दूसरा, संतुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेगा। एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और दूसरा, संतुति के पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य का संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य नए राज्यों या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्यों या संघ क्षेत्र का निर्माण शामिल है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मतों को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नए संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामलों में संविधान विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने तथा बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के राजनैतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही ही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। संघ सरकार राज्यों को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उसकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्य की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। संविधान में स्वयं यह घोषणा की गई है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्धारण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अर्थात इस तरह का कोई कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। केंद्र सरकार का निर्णय था कि वेरूवाड़ी संघ पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो ने राजनैतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों और सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य क्षेत्र को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ही किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया है कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत ने उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ
इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन तीन उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभाग से जुड़ी पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी शामिल कर लिया। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि है। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीन सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार था। विवाद रेडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिसका समाधान 1950 के वंगे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इस विवाद के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि वेरूवाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान अधिनियम 1960 पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनैतिक घटनाओं के चलते यह अधिनियम अनुसूचित नहीं किया जा सका। भूतपूर्व पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, के भूभागों को लेकर 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ, ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते को भी अभी पुष्टि नहीं किया जा सका, क्योंकि यह जमीन के स्थानांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन जरूरी था। इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी, जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीन सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाली भूमि तथा अंतः क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 दिसंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, देशी रियासतों का एकीकरण। आजादी के समय भारत में राजनैतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी, ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन और देशी रियासतें राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंधित। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। 552 देशी रियासतें भारत के भौगोलिक सीमा क्षेत्र में थी, 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर विलय पत्र में हस्ताक्षर कराकर शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया, भाग का, भाग खा, भाग का और भाग घा, ये सभी संख्या में 29 थे। भागका में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग खा में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, भागका में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। भागका में कुल 10 राज्य थे, उनमें केंद्रीकृत प्रशासन था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अकेले भाग घा राज्य में रखा गया। धार आयोग और जेबीबी समिति। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुधार के अनुसार होना चाहिए।
इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, जिसे JVP समिति के रूप में जाना गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया कि राज्य के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पुट्टी सिरामालू का निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्र में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य थे, KM पाड़िक्कर और HN कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। इसका मत था कि किसी भी राजनैतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की, जिनमें से पहला देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण, दूसरा भाषाई एवं सांस्कृतिक एकता, तीसरा वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, चौथा प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संबंध। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्रों का निर्धारण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इस सिफारिशों को स्वीकार किया। हालांकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग का और भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भागा को खत्म कर दिया गया। इसमें कुछ को पड़ोसी देशों के साथ मिला दिया गया था तो कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोच्चि राज्य के त्रवणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नर के कसरगोडे को मिलाकर केरल राज्य की स्थापना की गई। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कुर्क राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीन देवी द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनैतिक मानचित्र में एक विभेदता व राजनैतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा या संस्कृति एक रूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, महाराष्ट्र मराठी भाषाई लोगों के लिए एवं गुजरात गुजराती भाषाई लोगों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था, दादर एवं नागर हवेली। 1954 में इसके स्वतंत्र होने के पूर्व यह पुर्तगाल का शासन था। 1960 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासक चलता था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1916 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया, गोवा दमन एवं दीव।
1960 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन तीन क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पुंडुचेरी का क्षेत्र पूर्वी फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुंडुचेरी, कराईकल, माहे या यमन के रूप में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेन संगा क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया तथापि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1960 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमालय प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिख गृह यानी पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल नेता तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषाई क्षेत्र हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यह भारत संघ का 18वां राज्य था। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनैतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी निफा के नाम से जाना जाता है, भी अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई, जिनमें मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य था। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1968 के द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य बनाया गया। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया। सिक्किम 1947 तथा सिक्किम राज्य का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसे रक्षा विशेष मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दायर की। तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नए राज्य 2 का एवं नई अनुसूची 10वीं अनुसूची, जिसमें संबद्धता की शर्तों एवं नियम उल्लेखित किए गए हैं, को संविधान में जोड़ा गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला। इससे सिक्किम के लोगों को महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। 1974 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत किए। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इस तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371(4) को जोड़ा गया। इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई, जिसके अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को भी निरस्त कर दिया गया, जिसे 1974 के 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा क्रमशः 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्णय 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ।
जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट के हस्ताक्षर किए, जिसने दो दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त किया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में असंघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बनाया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्य के रूप में मान्यता दी गई। ये तीन राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें व 28वें राज्य बने। तेलंगाना वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश जिसमें मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए। कुरुनूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुट्टूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में मिलाकर वह 72 आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित की गई। पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया। 10 वर्षों के लिए इस अवधि में आंध्र प्रदेश अपनी अलग राजधानी बना लेगा। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश उच्चतम न्यायालय का नाम बदलकर हैदराबाद उच्चतम न्यायालय कर दिया गया। उच्च न्यायालय 10 वर्षों के लिए इस अवधि में आंध्र प्रदेश अपने अलग राजधानी बना लेगा। इस प्रकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हैदराबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। उच्च न्यायालय तब तक दोनों राज्यों के लिए साझा रहेगा जब तक कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित नहीं हो जाता। इस प्रकार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संस्था 1956 में क्रमशः 14 एवं 6 से बढ़कर 2040 में क्रमशः 29 तथा 7 हो गई। नामों में परिवर्तन, कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया था। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटका रखा गया। इसी वर्ष लकादीप, मिनिकाय एवं अमीन दीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। यह बदलाव 60वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नया नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसी वर्ष पांडुचेरी का नया नाम बदलकर पुंडुचेरी किया गया। वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण कर ओडिशा के रूप में हुआ।